नौजवान साथियों, स्वागत है हमारे कोई फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे आखिर गुड़वाना गढ़ किला में शिवलिंग क्यों पाया जाता है, क्या इस शिवलिंग आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं रर्मी अनारिया जय लिंगो जी। तो लिंगो जी, आप बताइए कि गुड़वाना गढ़ किला में शिवलिंग क्यों पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे ओर से सादर जोहार जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। देखियो, शिवलिंग जो शब्द ही है अभ्रंश शब्द है, और रही बात गुणवाना गढ़ किला में शिवलिंग की पाया जाना, यह एक संजोग वंजोग कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती हमारे जो मान्यता थी उनको बदल के अलग नामकरण किया गया है। जिसको आप शिवलिंग कहते हैं वो हम उसको नहीं मानते। शिवलिंग हिंदुओं के द्वारा, अब ब्राह्मणों के द्वारा दी गई हमारे नर्मदा पिंड को गाली कहे जाए जी। वो एक अपभ्रंश शब्द है। हम उसको सल्ला गांगरा सिली लोढ़ा जी, सिली लोढ़ा सल्ला गांगरा अर्थात नर्मदा प्रतीक के रूप में हमारे लोग ने उसको वहाँ स्थापना किया है जी। और उसी नर्मदा के हमारे लोग सल्ला और गांगरा के निगेटिव पॉजिटिव के हम साधक रहे हैं। उसको मानते हैं क्योंकि हमारे पूरा जो व्यवस्था बनी है, यह जीव जगत बनी है, वह सल्ला और गांगरा से नर्मदा से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम नर्मदा को ही मानते हैं। अब उसको इन ब्राह्मणों ने शिवलिंग नाम दे दिया गया और उसका शिवलिंग के नाम से प्रचार प्रसार किया गया और लोग उसको शिवलिंग कह दिए। आप देखिए, हमारा जो जितने भी सल्ला गांगरा है वह लोढ़ा अलग रहता है और सील का जो नीचे का जो पिंड रहता है वो अलग रहता है। लेकिन जो आज की वर्तमान जो हिंदुओं का जो शिव जो लिंग है, जिसको कहते हैं शिवलिंग, जो है शिवलिंग में शिव जो ये दोनों जो ऊपर का जो गोला और नीचे का जो पिंड दोनों जुड़ा रहता है और उसके बीच में नांग लपेटा रहता है, जबकि हमारे में नांग वांग नहीं रहता। सल्ला गांगरा पिंड में सीली लोढ़ा जो है नर्मदा पिंड में नांग नहीं रहता, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती, आप भोरमदेव में जाकर के देखिए, कहीं भी जाकर के देख लीजिए, तांबा का, सोना का, पीतल का, चाहे कोई भी धातु का नांग बना के उसमें ऐसे लपेट देते हैं। जबरदस्ती उसको क्यों लपेटते हैं? शिवलिंग साबित करने के लिए लपेटते हैं और उसको हिंदूकरण करने के लिए। तो इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस टाइप के अपभ्रंश को आप मत मानिए। हमारे पुरखों ने उसको नर्मदा के रूप में, सिली लोढ़ा के रूप में, सल्ला गांगरा के रूप में, उसके आधार पर उसको स्थापना किया था और उसको मानते थे हम जी। जी, एक सवाल और जी। जैसे आप बता रहे हैं कि उन लोगों ने शिवलिंग के नाम को अलग भी किया और मूर्ति को भी अलग किया जी। तो जैसे मनवारियों को इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा हुआ कि उनकी परंपरा जो है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो मान्यता है, वह प्राचीन सिद्ध हो गया जी। जब जैसे अब कोई कहेगा भोरमदेव में शिवलिंग है, तब भोरमदेव में शिवलिंग है, इससे ये सिद्ध हो गया कि भोरमदेव के समय भी हिंदू संस्कृति फल फूल रही थी जी। ये है उनकी टेक्नोलॉजी, ये है उनकी छल कपट, यानी किसी दूसरे के मकान में अपना क्या लगा दिया, नेम प्लेट लगा दिया और उसमें कोई मेहनत नहीं किया। मेहनत किए मुर्गा अंडा खाए फकीर वाली बात हो गई है जी। भाई वह किसी कोई दूसरे का मकान है, उसमें नेम प्लेट लगा दिया, मरकाम के मकान में तिवारी का नेम प्लेट लग गया तो देखने वाला क्या समझेंगे? तिवारी का ही समझेंगे ना, वो थोड़ी जानेगा कि अंदर में मरकाम रहता है कि कौन है मरकाम बना है। तो ये इनका जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जो है मनु आदि जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग परजीवी हैं, ये इनको मेहनत करके खाना नहीं आता। मेहनत किए के कम जो मेहनत करके कमाया रहता है उसको छीन के खाना, डरा के खाना, धमका के खाना इनकी आदत है, मांग के खाना इनकी आदत है। इसलिए यह मेहनत करके किसी चीज को नहीं बनाया। उनकी हर परंपरा में आप जाकर, उनकी हर संस्कृति में जाकर के देखिए, मैं सिद्ध कर दूंगा हिंदू संस्कृति में, ब्राह्मण संस्कृति में पूरे का पूरे सारांश हमारे आदिवासी परंपरा प्रथा से ली गई है जी। उनकी हर मान्यता जो हम कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा है, हमसे चुराए हैं ये लोग। ये अपने स्वयं का बनाया नहीं है, स्वयं का जनक नहीं है, किसी दूसरे का चुरा करके अपना नेम प्लेट लगा दिया और वही लूट रहे हैं लोग जी। तो इसलिए हमारे लोगों को समझना है, जो हमारी मान्यता है, अब कोई लिख दिया कि ऐसा सतयुग द्वापर कलयुग, मान लिए सभी लोग,
अरे क्या है सतयुग, क्या है द्वापर, ये सब चीज अब भ्रंश में न रहिए, क्योंकि आज का समय ग्रेजुएट का समय है, शिक्षित लोगों का समय है। आप तर्क कीजिए और तर्क कुतर्क करने के बाद आपने दिमाग की कसौटी में उसको उतार के आप उसको फॉलो कीजिए। अब रही बात दूसरी बात, मैं एक फेसबुक में फोटो देखा, वीडियो वायरल हुआ गौतम बुद्ध जी का, बुद्ध का, बुद्ध को चार चौकोड़ी वाला जो शिवलिंग है, अभी आपको बैकग्राउंड में उसको दिखाया भी जा रहा है कि उस शिवलिंग को क्या कह रहे हैं, शिवलिंग में बुद्ध का मूर्ति आसन में ऐसे, और वो कह रहे हैं कि बुद्ध का प्रतिमा है कह के। मैं कैसे मान लूं भाई वो बुद्ध का प्रतिमा है? क्या सिद्ध करना चाहते हो आप भाई? जिस ईश्वरवाद को, जिस पाखंडवाद को, जिस स्वर्ग नरक को, जिस परंपरा व्यवस्था, जिस संस्कृति को बुद्ध ने नकारा, और उसी शिवलिंग में बुद्ध का फोटो, बुद्ध का तस्वीर बनाना, इससे क्या सिद्ध होता है मेरे को ये बताइए आप? और आप कैसे कह सकते हैं कि वो बुद्ध का प्रतिमा है? बुद्ध वहाँ आसन लगा के बैठे हैं, आप देख लीजिए बैकग्राउंड में चलर दिख रहा है फोटो। तो ये इसे इन्होंने क्या कर रहे हैं कि उनको, बुद्ध को भी हिंदूकरण करने की प्रयास किया जा रहा है। जैसे कबीर ने हर समय, कबीर दास जी ने हर समय आजीवन पाखंडवाद अडंबरवाद का विरोध किया, घासीदास ने भी विरोध किया, कई ऐसे हमारे विचारक हुए जिन्होंने विरोध करके सामाजिक क्रांति लाने की प्रयास किया, लेकिन उनको वहीं हिंदूकरण करके लपेट दिया गया है। तो इसलिए आप सभी को सतर्कता बरतनी है और अपनी व्यवस्था, अपनी मान्यता पे अडिग रहना है। ऐसा नहीं कि हमारी परंपरा व्यवस्था लिखा नहीं गया है तो कोई मान्यता, ऐसा नहीं, हमारी मान्यता हालांकि लिपिबद्ध नहीं है, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है, और उसका मान्यता सत्य है। ऐसा नहीं कि लिख दिया वो सत्य है, नहीं लिखो, मैं भी लिख दूंगा कई रामायण, ये सब चीज़ों को आप मत मानिए, अपनी व्यवस्था और परंपरा को जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिंगो जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि शिवलिंग को किस तरह से बदला गया और हमारे धर्म संस्कृति के ऊपर किस तरह वार किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आदर से बधाई।